हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है, एक वो प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू जाने वाला है गाइस। तो आज का वीडियो मेरा एक रिव्यू वीडियो है। तो गाइस, मैंने फ्लिपकार्ट से ये नोवा का लिंट रिमूवर मैंने ऑर्डर किया था, तो इसी का रिव्यू आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगी गाइस। तो इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ही अमेजिंग गाइस ये प्रोडक्ट है। आजकल जो विंटर्स के क्लॉथ होते हैं गाइस, तो उसमें आप देखते हो ना, वो रोए टाइप के निकल आते हैं, जिससे कि हमारे जो भी कपड़े होते हैं विंटर्स के, वो बहुत ही पुराने टाइप के लगने लग जाते हैं। तो गाइस, आप लोग इसको परचेज कर सकते हो, और ज़्यादा ये महंगा भी नहीं है, ओनली 425 का मुझे ये पड़ा था। और गाइस, मैं इसको यूज़ किया है, बहुत ही अमेजिंग है गाइस, सीरियसली। मैं आपको दिखा देती हूँ पहले इसको, फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो गाइज, ये हैं, तो गाइज इसके साथ ये वायर है, इसके साथ ये अटैच है गाइज, क्योंकि ये चार्जिंग वाला नहीं है, ये ऐसे ही आप इसको यहाँ से ऑन करके फिर आप करोगे। और गाइज, ये हैं, यहाँ से ये ऑन ऑफ का इसमें बटन दिया हुआ है। और गाइज, जो यहाँ पे है ना, जितने भी आप रोए मतलब वो कपड़ों के साफ करोगे, वो इस पे इकट्ठे हो जाते हैं और ये खुल जाता है। तो इसको हम, मैं खोल के भी आपको दिखा देती हूँ कैसे इसको हम ओपन करेंगे। ये देखो गाइस, यहाँ से आपको इसको प्रेस करना है ऐसे करके, तो ये ऐसे खुल जाएगा। तो इसमें गाइस सारे रोएं आ जाते हैं इसके अंदर, आप देख रहे हो कि मैंने इसको पहले यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाएंगे गाइस ये। तो आप इसको ऐसे करके फिर इसको आप वापस लगा सकते हो। और गाइज, ये भी हमारा, इसको भी हम खोल सकते हैं, ये भी ऐसे ओपन हो जाएगा, ऐसे हो जाता है गाइज। और इसको भी गाइज, इसको भी साफ करने के लिए ना, इसमें एक ब्रश दिया हुआ है, एक छोटा सा ही आपको इसके साथ ये ब्रश भी मिलेगा, जिससे आप इसको क्लीन कर सकते हो। और इसको भी आप खोल सकते हो गाइज, ये भी आपका खुल जाएगा। तो इसके अंदर गाइज ये इस टाइप की ये ब्लेड्स लगी हुई है, आप देख रहे होंगे गाइस, इस टाइप की ब्लेड्स लगी हुई है। तो आप इसको भी आप अंदर से क्लीन कर सकते हो, और इसको फिर आप ऐसे फिर से इसको बंद कर देंगे। तो गाइस, इसको मैं कैसे यूज करूंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इतने सारे जंग मैंने डोरा की ना वुलन की लेगिंग निकाली हुई है, तो आप लोग देख सकते हो गाइस, इसमें कितने सारे इसमें इस टाइप के रोएं से निकले हुए हैं, और जिससे बहुत ही अजीब से लगते हैं, पुराने टाइप के कपड़े लगते हैं गाइस ये। तो दोनों तरफ देखना गाइस, बहुत सारे आए हुए हैं। तो इसी को मैं रिमूव करके आपको दिखाने वाली हूँ, तो मैं क्लोज करके भी दिखा रही हूँ गाइस, आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा इसमें है। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ से, बस आपको ऐसे इसको ऑन कर देना है, और बस आप इसको ऐसे कपड़ों पर ऐसे करके करोगे गाइस। तो गाइज़, आपको ना मैं बैक कैमरे से देख सकते हो ना, कितना ज़्यादा ये क्लीन हो गया है। कुछ कुछ इसमें थोड़ा बहुत रह गया, बाकी पूरा क्लीन है। और सारे गाइज़, जितने भी इसमें रोए थे ना, वो सारे इसमें हो गए हैं।
अब इसको हम इसको यहाँ से ओपन करके हम इसको फिर पूरा साफ कर सकते हैं। तो मैं इसकी दोनों साइड गाइज आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज ये वाली साइड मैंने पूरी क्लीन किया है और आप ये वाली साइड देख सकते हो। तो गाइज इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ आपके सामने। तो गाइज आप लोग भी देख चुके होंगे कितना अच्छा गाइज ये और कितना क्लीन, मतलब ये पूरा कपड़ा कर रहा है। और ये देख सकते हो गाइज ये आप में इसमें सारे रोएं ना इसमें निकल आए, और इसमें भी है गाइज, ये बॉक्स टाइप का है तो यहाँ से आप सारे निकाल सकते हो इसके अंदर से। और इसको गाइज आप जो ब्रश आपको मिला है ना तो उससे आप इसको क्लीन कर सकते हो। तो गाइज आप लोग बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी।